इमेजिनरी एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग 1 घंटे 50 मिनट है। इस मूवी को मैंने थिएटर में इंग्लिश में देखा है क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो आइए बात करते हैं इस मूवी के कुछ अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं मेरे इस क्विक रिव्यू में। तो कहानी फोकस करती है एक लेडी जेसिका पर जो बहुत दिनों बाद अपने बचपन के घर में वापस आती है अपनी छोटी बेटी एलिस के साथ। उस घर के अंडरग्राउंड में एलिस को एक छोटा सा स्टफ्ड टेडी बियर मिलता है जिसका नाम एलिस चौंसी रखती है। मूवी में हॉरर एलिमेंट तब आता है जब चौंसी जो कि एक टेडी बियर होता है वो एलिस को छोटे छोटे मुश्किल टास्क देने लगता है जिससे एलिस एक दिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर जेसिका को पता चलता है कि चौंसी सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि उसके अंदर एक आत्मा या एक भूत है। तो क्या जेसिका इस आत्मा से एलिस को और खुद को बचा पाएगी, जानने के लिए देखिए ये मूवी। देखिए मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को देखकर बस एवरेज ही रहा क्योंकि ये मूवी डराने के मामले में मुझे लगभग नाकामयाब रही। ये मूवी हॉरर के एंगल में कुछ नया नहीं कर पाई है। कुछ जंप स्केयर्स मोमेंट है मूवी में पर अगर आप हॉलीवुड हॉरर मूवीज को फॉलो करते हैं तो आप भी इस मूवी में क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट कर पाओगे। इस टाइप की मूवी हमने पहले भी देखी है जैसा कि एक डॉल में कोई आत्मा घुस जाती है फिर वो डॉल घर में सबको खासतौर से बच्चों को डराती है। इस मूवी को देखकर आपको कहीं ना कहीं एनाबेल द कंज्यूरिंग डेड साइलेंस द बॉय चाइल्ड्स प्ले पोल्टरगाइस्ट जैसी मूवीज की याद आ जाएगी। ओवरऑल ये मूवी जिन्होंने हॉरर के जॉनर में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है उन्हें डराएगी बट जो सिनेमा की एक्सपीरियंस ऑडियंस है उन्हें पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने इससे पहले मेगन द ब्लैक फोन द इनविजिबल मैन जैसी मूवीज बनाई है बट मुझे लगता है कि इस मूवी में वो कुछ मसाला डालना भूल गए। ओवरऑल ये मूवी आपका अच्छा टाइम पास कर देगी। देखिए मेरी राय में आप इस मूवी का ओटीटी पर रिलीज होने का वेट करें। अगर आप कुछ हॉरर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप थिएटर में इस मूवी को देख सकते हैं। ओवरऑल ये मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी का प्रोडक्शन अच्छा है, डायरेक्शन और फिल्मोटोग्राफी भी अच्छी है। मूवी देखते टाइम लगता है कि आप एक हाई बजट मूवी देख रहे हैं। इस मूवी को मैं 4/10 की रेटिंग देता हूं। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।